गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डेली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में वैकेंसी आई हुई है और आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी भी आई हुई है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आकर इसे डिटेल चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ या आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल पोस्ट मिलेगी 62, यानी कि 62 पोस्ट मिलेगी टोटल। जो पोस्ट नेम है तो टोटल 4 प्रकार की इसमें आपको वैकेंसी मिलेगी। जूनियर इंजीनियरिंग है, अकाउंटेंट असिस्टेंट है और स्विच बोर्ड ऑपरेटर है और फॉरेस्ट गार्ड की इसमें आपको वैकेंसी मिलेगी। अप्लाई मोड तो ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसमें पे स्केल रहेगा 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल भी रहेगा। इसमें जो एज लिमिट रहेगी वो सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, लेकिन 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। इसमें जो एप्लीकेशन फीस रहेगा सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है, प्लस आपको थर्ड ईयर का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ। अगर आप अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए अकाउंटेंसी के साथ, प्लस आपको टाइपिंग का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होना आवश्यक है, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या वायरमैन के साथ आपने कंप्लीट की हुई। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं की सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं पास होना आवश्यक है, या फिर आपके पास समकक्ष होना चाहिए, जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 29 जून 2018 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 28 जुलाई 2018 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, फिजिकल एग्जाम रहेगा। जॉब लोकेशन आपका दादर एंड नगर हवेली रहेगा। इसमें जो है अप्लाई करना है आपको, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इनके रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो उनसे अभी अप्लाई करना है उसी पर अप्लाई पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। नोटिफिकेशन देखने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ से आप एज भी इसमें देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने योग्य है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।